जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी टाइप की हो, सारी पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो या किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सबकी यूनिट सेम होती है, जूल। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, और उस इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या निकालनी है, इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो आपको फाइंड करना। ठीक है, तो जो इसके प्रीवियस वाला वीडियो है, सेम कहानी जो उसकी है, वही कहानी आपको इसमें बतानी है ना। इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, बस एक एंगल का चेंज रहेगा, और वो एंगल रहेगा आपका 90। उसमें आपने जो डिराइव किया था वो 0 डिग्री से थीटा एंगल तक उसको रोटेट करने के लिए वर्क डन फाइंड किया था। यहां पे भी वर्क डन फाइंड करना है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम एनर्जी फाइंड करते हैं तो हमें वर्क डन ही फाइंड करना पड़ता है। जब भी एनर्जी फाइंड करना है, फाइंड करते हैं तो हमको क्या निकालना पड़ता है, वर्क डन निकालना पड़ता है। ओके, तो यहां पे देखिए, स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल इसमें रखा हुआ है, और इसकी जो पोजीशन है वो हम लेंगे स्टैंडर्ड पोजीशन। कौन सी पोजीशन लेंगे, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पोजीशन क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको डिराइव करोगे और जो फॉर्मूला ऑब्टेंड होगा उसमें आप 90 जब रखोगे कोस 90, तो कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो वहां पे इसका जो ओवरऑल वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 0 डिग्री आने, मतलब 0 आने वाली है। तो जब वो 0 आने वाली है तो वो पोजीशन किसके लिए, 0 किसके लिए आएगा, 90 के लिए। ठीक है, तो 90 के लिए ही हम इसको करेंगे। तो रोटेटिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन पाई बाई टू को बोलेंगे 90 डिग्री, टू प्रेजेंट पोजीशन थीटा एंगल तक, मतलब 90 डिग्री से आपको थीटा एंगल तक उसको रोटेट करना है। ठीक, उसमें जितना भी वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी, तो कितना टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो से आपको मिलेगा, टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गई टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ओके, सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू एन एंगल डी थीटा। सबसे पहले इसको डी थीटा, वो शॉर्ट एंगल के लिए रोटेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टो डी थीटा। देखिए, ये आप इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको सेम प्रोसेस मिलेगी। Therefore, work done in rotating it from 90 degree to angle theta. 90 degree से theta angle तक rotate करने में total work done कितना होगा? तो वो जाएगा आपका W equals to 90 degree to theta tau d theta, है ना? इसी को हमने कहाँ रख दिया? इस limit के अंदर रख दिया। अब यहाँ पे करना क्या है? आपको tau की value रखनी है। तो tau की value क्या है यहाँ पे? तो tau की value है P sin theta. तो from equation first, W equals to 90 degree to theta, तो की वैल्यू है P E sin theta, और बाद में आपका क्या है d theta। ठीक है, तो वापस से यहां पे d theta आ गया, यानी कि आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। दिस इक्वेशन इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ओके, नाउ W equals to P को हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है यहां पे। ठीक है, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का, तो साइन थीटा अंदर रहेगा, बाकी पीई का जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक, अब उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करने पर क्या होगा आपका, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू पीई, आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा का होता है माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट पीछे रख देते थीटा और 90 डिग्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को बाहर ले आते हैं, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा। डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी ई, माइनस बाहर लाना जरूरी है, अगर माइनस बाहर नहीं लाओगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों, क्योंकि ये एक वैल्यू आपको पॉजिटिव रखनी होती है और सेकेंड वैल्यू जो होती है नेगेटिव रखनी होती है ना। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऑलवेज केप्ट इन पॉजिटिव, और ये जो रखी जाती है वो रखी जाती है नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस हमने बाहर लिया, कोस एक बार थीटा रख दीजिए प्लस में, और एक बार रख दीजिए आप, अच्छा पहले माइनस बाहर ले लेते, तो यहाँ बचेगा कोस थीटा 90 डिग्री थीटा। ठीक है, अब रख दीजिए लिमिट यहाँ पे थीटा और 90, तो W इक्वल्स टू माइनस पी ई, ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस कोस 90 डिग्री, है ना, लिमिट रखने के बाद, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, थीटा की जगह थीटा रख दिया, थीटा की जगह 90 रख दिया, ऊपर वाला पॉजिटिव रख दिया, नीचे वाला नेगेटिव रख दिया। कोस 90 की वैल्यू होती है
जीरो क्या हो जाती है, कोस 90 की वैल्यू जीरो। तो डब्ल्यू कोस टू माइनस का पीई कोस थीटा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया माइनस पी कोस थीटा। अब देखिए दिस वर्क डन टू रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यही वर्क डन किसमें स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसको हम यू डिफाइन कर देते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर सेकेंड के आपका मेन फॉर्मूला। ओके, अब क्या करना है, अब आपको वही कंडीशन लगानी है। कितनी कंडीशन होती है, तो थ्री कंडीशन होती है। कौन कौन सी होती है, तो मैं इसको रफ करा देता हूं अभी, कंडीशन हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका, बाकी नोट्स तो आपको लास्ट में मिल जाएंगे, लेकिन किसी को अगर यहां से नोट्स बनाने हैं तो यहां से भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, हम सबसे पहले करते हैं स्पेशल केसेस में सबसे पहला केस है व्हेन थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री। आप सबसे पहले कितना रखें, जीरो रखें, तो जीरो रखें यहां पे, तो बाय इक्वेशन सेकंड में आपने क्या रखा, थीटा की जगह जीरो, इसी में रखना, सारी वैल्यूज इसी में रखना है। तो u इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस जीरो डिग्री, कोस जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो कोस जीरो डिग्री की वैल्यू होती है वन, तो यहां से u इक्वल्स टू मिलेगा आपको माइनस का पी ई, ये आ गया पहला आंसर, ठीक है। अब सेकंड आंसर की बात करते हैं हम, तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में वापस से 90 डिग्री रख दो, तो u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो, तो ओवरऑल जो पूरी वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कॉस 90 जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई करा, पूरी वैल्यू जीरो। थर्ड है आपकी व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, जैसे आप थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देखेंगे थीटा इक्वल्स टू 180, तो यहां पर रखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं है, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, तो u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री वैल्यू होती है माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा पी ई। ओके बच्चों, अब देखिए फाइनली आपके पास तीन आंसर है, मेन आंसर आपका ये है, लेकिन इसके केसेस से थीटा जीरो रखने में कितना होगा, 90 रखने में कितना होगा, 180 पे कितना होगा, तो इसको रखने माइनस पी आया, इसको रखने पे जीरो आया, इस पे पी आया। अब बताइए इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का कौन सी है, तो आप इसको मिनिमम बताएंगे, इसको मैक्सिमम बताएंगे, आप इसको मिनिमम बताएंगे, इसको मैक्सिमम, लेकिन याद रखिएगा ये वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि मिनिमम कौन हो जाएगी, माइनस का पी ई। ओके, तो यहां से हम इसको लिखेंगे मिनिमम वर्क डन, सॉरी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, नेगेटिव वाली वैल्यू मिनिमम होती है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।